kita pa ya makalakan. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मेरा लास्ट दिन है बेलग्रेड सर्बिया में। मैं अभी अपने हॉस्टल में हूँ और मैं अभी निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। मेरी फ़्लाइट है दोपहर के 1:30 बजे, तो मैं जल्दी से, मेरा सामान सारा पैक हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ से निकल के बस पकड़ के सीधा एयरपोर्ट। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच गया है बेलग्रेड एयरपोर्ट निकोला टेस्ला, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, जहां से मैंने इस ट्रिप की शुरुआत की, वहां से अब ये ट्रिप एंड होने वाला है। और मैं बस सेम बस से आया था जिससे मैं गया था, 72। तो आप 72 बस से आ भी सकते हो और जा भी सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया, मेरी फ़्लाइट है 1:30 बजे और भाई धूप बहुत कड़क है भाई, तो अब अंदर जाता हूँ। अंदर जाके जो भी प्रोसीजर है वो बताता हूँ, जो जो होता है वो आपको बताता हूँ। तो ये रहा कुछ लास्ट मोमेंट कुछ निकोला टेस्ला एयरपोर्ट का। तो फाइनली मैं जा रहा हूँ सर्बिया से अल्बेनिया। अब वहाँ देखता हूँ कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अमेजिंग है ना? तो अभी चलता हूँ एयरपोर्ट के अंदर, फिर आगे की फॉर्मेलिटीज़ पूरे करते हैं। तो गाइस, मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ और मुझे लगा कि आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं सर्बिया से अल्बेनिया जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने आरटीपीसीआर नहीं किया, बट मैंने एक चीज़ अच्छा किया कि मुझे पता था कि रिस्क लेने से फ़ायदा नहीं है, तो मैं एयरपोर्ट 5 घंटे पहले आ गया था। तो मैं चेक इन करने के लिए सर्बिया के काउंटर में लगा, वहाँ पर मैंने बोला भाई चेक इन करो, मैंने फ़्लाइट की टिकट दी। उसने बोला भाई आरटीपीसीआर का है। मैंने बोला भाई आरटीपीसीआर की ज़रूरत है नहीं, तो आप आरटीपीसीआर क्यों मांग रहे हो? बोला कि आपको कुछ शो तो करना पड़ेगा, आरटीपीसीआर हो या तो वैक्सीन सर्टिफिकेट हो या कुछ आपको शो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बोर्डिंग पास आप नहीं देंगे। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मुझे पता था क्योंकि मैं रिस्क ले रहा था, मुझे पता था कि लग सकता है, पर मैंने रिस्क लेना चाहा, कोई नहीं। तो फिर मैं आया यही एयरपोर्ट में ही, आरटीपीसीआर का टेस्ट होता है, तो फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आके आज तक का सबसे महंगा आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया, जो कि मुझे पड़ा 9090 सर्बियन दिनार में, जो कि अप्रॉक्स अगर आप मान लो इंडियन करेंसी में 7,500 के करीब पड़ता है। तो आज तक का ये मेरा सबसे महंगा आरटीपीसीआर टेस्ट है। कुछ क्या प्रोसीजर है, पैसे देना है, वहाँ से आपको बिल बना के देगा आपको। उसके बाद जो यहाँ पे सैंपल देते हैं, सैंपल में वहाँ पे सिर्फ आपका फ़ोन है, फ़ोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी लिखनी है, जिसमें से आपका जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो आएगा। और ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, ये विद इन 2 घंटे में आपको मिल जाएगा। तो ये है मेरी रिसिप्ट, मैं अभी वेट कर रहा हूँ। मेरी फ़्लाइट है 1:30 बजे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1:30 बजे एयर सर्बिया निकोला टेस्ला एयरपोर्ट से लेके तिराना अल्बेनिया। तो आप देखते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। 1 घंटा तो हो चुका है, अब 1 घंटा और बचा हुआ है मेरा कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने में। देखता हूँ कि क्या आता है, नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो अभी बैठा हुआ हूँ भाई यहीं पे और वेट कर रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट का आए, उसके बाद में आगे का जो भी प्रोसीजर वो पूरा करूँ। तो फाइनली गाइस, पहुंच गया हूं इमिग्रेशन पार करके। सिक्योरिटी तो था ही नहीं, शायद गेट के सामने कुछ सिक्योरिटी होगा। अभी तक तो इमिग्रेशन पार करने के बाद कुछ सिक्योरिटी था नहीं। अब गेट मेरा जो है वो है A6 है, उसके पास बैठा हूं। अभी मैंने पूछा तो बोला कि अभी टाइम है, 30 मिनट्स बाद ही ओपन होगी। तो यहीं पर बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा चिल कर रहा हूँ।
इमिग्रेशन कुछ भी नहीं पूछा भाई, मैंने पासपोर्ट दिया, पेज पलटा, जहाँ पे स्पेस दिखा उसने ठप्पा मार दिया, गो जाओ भाई जाओ, जल्दी निकलो सर्बिया से। तो ये था भाई स्मूथ प्रोसेस। अब देखते हैं आगे का क्या, वहाँ जाके अल्बेनिया का इमिग्रेशन, तिराना का इमिग्रेशन कैसा होता है। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक नए दोस्त मिल गए हैं, दुसान भाई साहब हैं, जो ये अल्बेनिया से ही हैं। तो ये मुझे बहुत कुछ बताए कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कौन कौन सी जगह घूमना चाहिए। अच्छा, इन्होंने मेरे चैनल का नाम भी पूछा, 1 सब्सक्राइबर, बढ़िया भाई, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो ये अपनी बेटी को दिखाया जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्यूट है। सही है, वांट टू सेज एनीथिंग टू इंडिया? गाना गा रहे भाई साउथ इंडियन।
पंजाबी पंजाबी एनसी पंजाबी या पंजाबी है डू यू हियर पंजाबी सॉन्ग आई लाइक हां पंजाबी सॉन्ग भाई पंजाबी सॉन्ग पसंद करते हैं भाई हिंदी हिंदी सॉन्ग यस बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मी टू अंडरस्टैंड I can understand when I put some words on internet, but I can to speak. okay. But you listen Punjabi song, Hindi song, and which you sang? Kutta Payama. Kutta Payama. Telugu is it? Telugu. It's a Telugu song. Yes. तो भाई हिंदी में डिफिकल्ट होता है तेलुगु सुनते हैं पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं पर काफ़ी इंजॉय करते हैं यू सी इंडियन मूवी वॉच डू यू यस आई मिलियनेयर फ्रॉम मिलियनेयर दैट्स माय फेवरेट ओके ओके एनी फेवरेट स्टार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान सलमान खान चॉकलेट और पानी को पीता हूँ कॉलेज का बोतल